लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मुझे सभी दिल्ली वासियों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव अप्रूव किया गया है कि जो दिल्ली की हमारी योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, उसमें अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है। अभी तक इस योजना में जगन्नाथपुरी, उज्जैन, शिरडी, अमृतसर, जम्मू, द्वारका, तिरुपति, रामेश्वरम, हरिद्वार, मथुरा, बोधगया, ये स्थान शामिल थे। अब इसके अंदर अयोध्या को भी शामिल किया गया है, यानी कि हमारे दिल्ली के जो जो बुज़ुर्ग अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा के लेके आएगी। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में जो हमारी मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना है, इसके तहत दिल्ली के बुज़ुर्गों को तीर्थयात्रा पूरी खर्चा तीर्थयात्रा का सरकार उठाती है। घर से लेके तीर्थयात्रा तक जाने का आने का एसी ट्रेन से लेके जाया जाता है, वहाँ पे अच्छे एसी होटल में उनको रुकवाया जाता है, उनका खाने पीने का, उनका लोकल ट्रैवल का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। और वो बुज़ुर्ग अपने साथ किसी एक हेल्प करने के लिए बंदे को ले जाना चाहे, अपने बेटे बेटी किसी एक व्यक्ति को साथ ले जाना चाहे, तो उसका भी पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। अभी तक इस योजना के तहत 35,000 लोगों को तीर्थयात्रा हम करवा चुके हैं। तो आज मुझे बेहद खुशी है, मैं कल खुद रामलला के दर्शन करके अयोध्या से लौटाऊँ और मैंने भगवान से वहाँ यही मांगा कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है प्रभु, और मैं जितना कुछ मेरी ताकत में मेरी क्षमता में है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अयोध्या ले जाके रामलला के दर्शन कराऊँ, सबका श्रवण कुमार बन के एक तरह से सबको दर्शन कराऊँ। अभी पिछले 1.5-2 साल से ये योजना बंद पड़ी थी कोरोना की वजह से, लेकिन अब कोरोना की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है तो इस तीर्थयात्रा योजना को फिर से लागू किया जाएगा। और मैं समझता हूँ सभी ऑफिसर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1 महीने के अंदर फिर से ट्रेन्स जो हैं वो तीर्थयात्रा के लिए जगह जगह जाना चालू होंगी, तो आप सब लोग फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो जो तीर्थयात्रा पे जाएंगे, हमारे जितने बुज़ुर्ग जाएंगे, उनकी तीर्थयात्रा बहुत अच्छी रहेगी।